एक सबसे शानदार टूल लास्ट में आएगा, तो क्लास को एंड तक वॉच करें। ब्रश से रिलेटेड ही ये टूल है, तो इसका किस तरह से यूज़ करना है ये आपको एंड वाली क्लास में पता चलेगा। ओके गाइज, हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? तो आज की हमारी क्लास है ब्रश टूल। आइए देखते हैं ब्रश टूल का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो मैं हूँ जार्विस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। ब्रश टूल का जो बेसिक यूज है, सिंपली अगर हम इसको समझें तो ब्रश टूल यानी कि ब्रश टूल लिया, कोई भी कलर सेलेक्ट किया और जहां पे भी या जिस ऑब्जेक्ट पे भी आपको कलर फिल करना है वहां पे इस तरह से फिल कर दी। ठीक है, ब्रश का ये आइकन होता है, कर्सर होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ब्रैकेट से इस चीज को आप ब्रश को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिए इजीली। तो ये इजी ऑप्शन है इस चीज का, ये एक बेसिक यूज है ब्रश का, किस तरह से हम ब्रश का यूज कर सकते हैं, किसी भी एरिया में कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम ब्रश टूल का इजीली और अच्छे तरीके से कहां यूज कर सकते हैं, ये है मेन पॉइंट। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं कि ब्रश टूल में कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है ओपेसिटी, इस चीज को रहने दें, इस चीज को बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है ओपेसिटी। ठीक है, जब आप ब्रश फ्लो करते हैं, जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है बहुत अच्छे से क्लीन और क्लियरली आपको वो कलर नजर आता है। ठीक है, अगर आप ओपेसिटी कम कर देते हैं तो इसका मीनिंग है जो उस कलर की थिकनेस है, जो उस कलर की बोल्डनेस है, वो आपने कम कर दी, यानी कि आपने उसको ट्रांसपेरेंट बना दी। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर दूसरा कलर लेता हूं तो आपको पिछला कलर भी नजर आएगा, है ना, क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमने कम कर दी। तो ये आपके इसके पास कंट्रोल रहता है। जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो इसकी नीड होती है हमें कभी कभी, तो यहां से आप इसका लेवल जो है कम या ज्यादा कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ओपेसिटी का मीनिंग है उस ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी आपको हर जगह दिखेगी, ब्रश में भी दिखेगी और भी कोई टूल्स में दिखेगी, आपको लेयर्स के अंदर लेयर की ओपेसिटी नजर आएगी इस तरफ, तो ओपेसिटी हर जगह अवेलेबल रहती है। ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके ब्रश के अंदर ओपेसिटी, आपको कितना उसको यूज करना है। अगर मैं 100% कर दूं तो रेड कलर, ब्लड रेड नजर आएगा। ठीक है, ये आपको इस चीज को समझना है। ओपेसिटी के बाद होता है फ्लो। ठीक, अब ये फ्लो क्या चीज है, फ्लो का मीनिंग समझा। जैसे ही मैं कलर फिल करता हूं तो आपको देखो एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो उसको जूम करके, तो यहां पे कुछ आपको इस तरह से वेव नजर आती है, इस तरह से। ठीक है, तो एक्चुअली में ये है क्या चीज, ये सारा जो खेल है वो फ्लो के ऊपर टिका हुआ है। फ्लो अगर मैं कम करता हूं, अब आप देखिए क्लिक किया और जैसे ही मैं थोड़ा आगे खिसकता हूं तो देखो एक सर्कल और बना, जैसे ही आगे जाता हूं तो एक सर्कल और बना, जैसे ही आगे जाता हूं तो एक सर्कल और बना। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि फ्लो का मतलब है अगर 100% फ्लो होगा तो 100% कलर फिल करेगा वहां पे, है ना, और वो आपको देखो वापस मैं रिटर्न आ रहा हूं पीछे, तो इसने अगेन 41% और फिल किया। मैं वापस आगे जा रहा हूं तो अगेन इसने 41 और फिल किया, तो 41 प्लस 41 प्लस 41 इस तरह से 100% बन जाता है।
ठीक है, और वहां पे आपको एग्जैक्ट एक जैसा कलर नजर आता है। लेकिन अगर आप सिंगल फ्लो पे चलोगे तो ये ओनली आप 41% फ्लो कर पा रहे हो इस कलर का, ठीक है। तो जैसे एक सर्कल दूसरा सर्कल पे आया, एक सर्कल दूसरा सर्कल पे आया, तो यहाँ पे आपको बीच में डार्क रेड नजर आ रहा होगा। तो 41 + 41 + 41 ये 100% बन जाता है, ऐड हो जाता है उस एरिया पे, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो का यूज आप कर सकते हो। जितना कम फ्लो करोगे आप उतना उसका कलर कम फ्लो होगा, ठीक है। और बेसिकली हम जब कलर फिल करते हैं तो फ्लो हम 100% ही रखते हैं, ताकि आपको किसी भी एरिया में कलर फिल करने के लिए कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब आता है स्मूदिंग, ठीक है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये। मैं इसको समझाने के लिए मैं ब्रश को छोटा करता हूँ, ठीक है, और मैं जीरो पे मैं अपना ब्रश को फिल करता हूँ। ठीक है, ये मैंने फिल किया, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने फिल करना शुरू किया आपको यहाँ पे वेव नजर आ रही होगी, क्लियरली आपको स्मूथिंग नजर नहीं आ रही होगी, साफ पता चल रहा होगा यहाँ से यहाँ पे इस एरिया पे माउस मूव कर गया, इस एरिया पे माउस मूव कर गया, इस एरिया पे माउस मूव कर गया, है ना। इजीली समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल रफली यहाँ पे कलर फिल किया हुआ है, ठीक है। अब मैं स्मूदिंग को 100% कर देता हूँ। मैं आपको 50-40% नहीं समझाऊंगा, 100 पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। 100 किया मैंने, ब्रश टूल लिया, और जैसे अब मैं मूव करूंगा ये ब्रश आपका ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जिस एरिया में भी आप इसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक फोटोशॉप समझ लेता है कि स्मूदिंग ऐड किया हुआ है, ठीक है, और ऑटोमेटिक उस वेव को, उस लाइन को क्लियरली स्मूथ बनाते हुए चलेगा। तो आप इजीली इन दोनों में समझ पा रहे होंगे कि ये कितना रफ नजर आ रहा है और ये कितना स्मूथ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप 100% रखें, सही रहेगा, और आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपकी नीड है तो इसको बढ़ा दें, आपकी नीड नहीं तो इसको जीरो कर दें, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं ब्रश के, इस तरह से आप ब्रश को मैनेज कर सकते हैं। अब यूज कहाँ करें वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कलर भरना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस जगह पे कलर भरना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक इमेज लेके आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इमेज है हमारे पास, तो इस तरह की कोई भी इमेज हो जिसमें कुछ स्पॉट वगैरह हो, कोई एक ऐसा एरिया हो, कोई एक ऐसा एरिया हो जो आपको रिमूव करना है, कुछ पार्ट ऐसा हो जो आपको रिमूव करना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं फ्लावर की, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह के मुझे पार्टिकल्स नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ से हटेगा तो जो पीछे जो कलर है वो यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, ईजी है, तो ब्रश टूल लें, और अगर आप इमेज सीधे अपने कैनवास पर ड्रॉप करते हैं तो इमेज के ऊपर इस तरह से एक आइकन बन जाता है। ये आइकन क्या है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस सबसे पहले हमें ये आइकन हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, देखो मैंने ब्रश टूल लिया और मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये जो लेयर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रश को यूज़ करने के लिए इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ राइट क्लिक करें इसकी लेयर पे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा रास्टराइज लेयर, ये लिखा होगा रास्टराइज लेयर, इस पे आप क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे वो आइकन हट जाएगा, अब आप फ्रीली ब्रश का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें इस तरह से नहीं करना है। अब जैसे मुझे ये वाला एरिया हटाना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड में कौन सा कलर है वो कलर हम पिक करेंगे, कलर पे क्लिक किया, और यहाँ से उसका आसपास का कलर ही आपको लेना है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसको ओके कर देंगे, ब्रश को थोड़ा बड़ा करें और वहाँ पे क्लिक कर दें एक दो बार,
बहुत इजी है, इसको हटाना है। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ कलर सेलेक्ट करने के लिए कलर पिकर से। जिस एरिया से आपको कलर सेलेक्ट करना है वहाँ पर जाएं और एल्ट प्रेस कर दें। तो जैसे आप एल्ट दबाएंगे कलर पिकर आ जाएगा और उस कलर पर क्लिक कर दें तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट और आप उस कलर पर हिट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसको हटाना है तो इस कलर पर क्लिक करेंगे और इस एरिया को फिल कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट को हटाना है, यहाँ से कलर लेंगे और यहाँ से हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से इजीली कलर पिक करके हम उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर ऑप्शन होता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। एक ऑप्शन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रश टूल के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शानदार टूल है। वो टूल है आपका ये बटरफ्लाई टूल, नाम कुछ और इसका, सेट सिमेट्री ऑप्शंस फॉर पेंटिंग। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ अलग अलग आपके यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, मैं एक ही ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे ये मैं मैंडला सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेगमेंट है ना, तो सेगमेंट में फुल वाला लेता हूँ, जो 10 वाला वो लेता हूँ, मैं 3-4 नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा दिखेगा ये, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास ये सेगमेंट आ गया। आप इस सेगमेंट को बड़ा छोटा भी करते हैं। बड़ा छोटा कैसे करते हैं वो मैंने आपको क्लास बता दी है, आप जाके पहले वो क्लास देखें ताकि आप इजीली ये चीज़ कर पाएंगे। और एंटर दबा दें। ठीक है, ये हमारा सेगमेंट आ गया यहाँ पे। अब मैंने ब्रश टूल लिया, इसको आप न्यू लेयर दें तो सही रहेगा। मैंने न्यू लेयर बनाई। ठीक है, अब देखिए आप, मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने रेड सेलेक्ट किया। ठीक है, ब्रश को थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं मूव करूँगा तो आपको एक जादू नजर आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लू कलर लिया। ठीक है, ऑरेंज कलर लिया। ठीक है, तो ये है सिमेट्रिक ऑप्शंस ब्रश टूल के अंदर। आप कुछ भी ऑप्शंस ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं, और ये पूरा PNG में ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रश का यूज करके अपना कोई आर्ट बना सकते हैं। आपको एक ही एरिया पर मूव होना है, ऑटोमेटिक उस चीज को वो फोटोशॉप जो दूसरी लाइन है, जो दूसरे सेगमेंट्स है, उनमें फिल करता रहेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेगमेंट का यूज कर सकते हैं ब्रश के अंदर। तो गाइज यही थी आज की हमारी ब्रश की क्लास। क्लास को वॉच करें और जो दूसरी क्लासेस हैं उनको भी कंप्लीट करें ताकि आपको इजीली फोटोशॉप के सारे जो टूल्स हैं वो समझ में आ जाएं, फिर आप इजीली अपनी डिजाइनिंग शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ओनली बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ कोई भी टूल का, किसी भी टूल का, कि उनका यूज किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।